हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आ गए हैं सॉक्स स्टैंड, या फिर मोबाइल कवर स्टैंड बोल सकते हैं आप इसको, या फिर एक मल्टीपर्पज़ स्टैंड बोल सकते हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे नीचे आपको मिलने वाला है बेस, उसके साथ आपको मिलेंगे इसमें तीन पाइप जिनको आपको अभी असेंबल करना है। कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तीन पाइप आपको मिल जाएंगे, साथ में जालियाँ मिल जाएगी आपको जिसके ऊपर आप हैंग करेंगे, और उसके साथ में आपको ये टायर्स और साथ में इनके हैंगर्स को लगाने के लिए बोल्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। सबसे पहले देखिए, ये बेस हो गया। इसमें नीचे वैसे तो स्टैंड दिया हुआ है, पर आप टायर लगाना चाहें तो इसको निकाल के टायर भी लगा सकते हैं। कैसे लगाना है अभी दिखाऊंगा। उसके बाद ये जाली इस लगाने के लिए, ये इसमें हुक्स दिए गए हैं, ये क्लैंप है, और साथ में बॉटम और अपर हुक इसमें दिया हुआ है जिसके वजह से ये रुका रहेगा। साथ में ये पाइप आपको मिलने वाले हैं, पूरा लोहे का रहेगा, पाउडर कोटिंग है इसमें, शानदार मटेरियल है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी इसमें आएगी। चलिए देखते हैं अब इसको असेंबल कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक लंबा वाला पाइप लेना है जिसमें नीचे बोल्ट 2 है, इसको आपको सबसे नीचे बेस में लगाना है और नीचे की तरफ से वो नट इसमें कस देना है जिससे आपका सबसे बेस वाला लेवल रेडी हो जाता है। इसके बाद आपको दो पाइप इसके अंदर सिंपली घुसा देना है। इस तरह से आपका लगभग 5 फीट हाइट का बन जाता है। इसके बाद आपको ये क्लैंप्स लेना है, मैं आपको सबसे नीचे करके दिखा देता हूँ। एक अपर बेस है, लोअर बेस है, और एक क्लैंप है। सबसे पहले आपने क्लैंप लगा दिया, उसके बाद आपको एक लोअर बेस लगाना है, उसके बाद आप जाली को नीचे ढालेंगे, उसके बाद आपको अपर केस लगा के उसको कस देना है, तो वो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अपने हिसाब से अपनी हाइट एडजस्ट इसमें आप कर सकते हैं, इस तरह से फिनिशिंग के साथ लग जाएगा। इसके बाद आप इसके बाद एक और लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अपने हिसाब से इसके हाइट एडजस्ट कर सकते हैं आप, ऊपर लगाना है नीचे लगाना अपने हिसाब से। इसको कस दिया अपन ने, इसके बाद नीचे का बेस ढाला इसमें, और अब जाली लगाने के बाद अपर कैप लगा दिया आपने, जिसकी वजह से फिनिशिंग के साथ दिखेगा आपको और शानदार ये पैक भी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, घुमा भी सकते हैं आप इसको, ज़्यादा टाइट करेंगे तो होल्ड भी कर सकते हैं। या आप इसके बाद अपने पाइप लगा के और ऊपर तक इसको पूरा फिनिश कर सकते हैं। 7 लेयर्स इसमें आपको मिल जाएगी। अभी मैंने आपको 2 लेयर्स लगा के दिखाई है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा इसको लगा सकते हैं। अब नीचे आप देख सकते हैं, नीचे बेस आपको वैसे दिया हुआ है, अगर आपको एक जगह रखना है, अगर आप चाहें तो टायर इसमें लगा के इसको मूवेबल वाला भी बना सकते हैं, ये भी ऑप्शन इसमें आपको दिया हुआ है। सिंपली इनको आपको निकालना रहेगा और टायर को इसके अंदर कसना रहेगा। एक मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं एक टायर मैंने इसको लगा के आपको दिखा दिया। इस तरह से आप इसको टायर वाला भी बना सकते हैं, दुकान के बाहर रखना चाहे अंदर रखना चाहे रख सकते हैं। अगर टायर नहीं चाहिए तो आप सिंपल बेस वाला रख सकते हैं, इसको एक जगह वो टिका, एक जगह खड़ा रहेगा। टायर वाला लगाते हैं तो मूवेबल हो जाएगा। दोनों ऑप्शन इसमें आपको दिए हुए हैं, ये आप क्वालिटी देख सकते हैं। इसमें आपको इस तरह से 7 लेयर आपको लगानी रहेगी। 5 फीट की हाइट इसकी टोटल है। अगर आप छोटा यूज़ करना चाहते हैं तो दो एक पाइप लगाइए, उससे बड़ा 2 पाइप लगा लीजिए। इस तरह से आपका ये पूरा रेडी हो जाएगा। थैंक यू।